हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस द रिमेनिंग पार्ट ऑफ चैप्टर फेडरलिज्म. वी स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस संघीय व्यवस्थाएं कैसे चलती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर नेसेसरी फॉर द सक्सेसफुल ऑफ द फेडरलिज्म बट दीज आर नॉट सफिशिएंट संघीय व्यवस्थाओं के सफल होने के लिए संवैधानिक होना ज़रूरी ही नहीं है पर्याप्त नहीं है इफ़ द फेडरल एक्सपेरिमेंट हैज़ सक्सीड इन इंडिया इट इज़ नॉट मेयरली बिकॉज ऑफ द करियरली लेड आवर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस अगर फेडरल सिस्टम हमारे देश में सफल है तो यह पूर्णतः संवैधानिक रूप से नहीं कहा जा सकता स्टूडेंट्स ये समझिए अगर हमारे देश में फेडरल सिस्टम सक्सेसफुल है तो हम ये नहीं कहते हैं कि यह हमारे संविधान में दिया ही गया है इस वजह से शायद ये सक्सेसफुल है बल्कि जो रियल सक्सेस है फेडरलिज्म की वो है हमारा डेमोक्रेटिक नेचर ओके okay, स्टूडेंट्स वो फेडरलिज्म इसलिए सक्सेस है क्योंकि हमारे देश में क्या है बेटा डेमोक्रेटिक है डेमोक्रेसी है दिस इंश्योर्ड दैट द स्परिट ऑफ फेडरलिज्म रेस्पेक्ट स्टूडेंट्स यहाँ से आप हाईलाइट कर लीजिए अपने पॉइंट को एक बार फिर से स्प्रिट ऑफ फ्रेडलिज्म फेडरलिज्म की आत्मा रेस्पेक्ट फॉर द डाइवर्सिटी एंड डिज़ायर फॉर द लिविंग टुगेदर बिकेम अ शेयर आइडियल इन आवर कंट्री इसको स्टूडेंट्स आप हाईलाइट कर लीजिए इसी डेमोक्रेसी की वजह से हमारे देश में संघवाद की भावना आप कह सकते हैं रेस्पेक्ट की भावना मीन्स जो डायवर्सिटी है उसका भी जो रेस्पेक्ट होता है तथा तो संग साथ रहने की भावना सब कुछ डेवलप होता है केवल किस वजह से डेमोक्रेसी की वजह से मीन्स जो डेमोक्रेसी हमारे देश में है वो उसका सक्सेसफुल होना या उसके बल पे फेडरलिज्म भी सक्सेसफुल है डायवर्सिटी का रेस्पेक्ट होना इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटीज है फिर भी लोग एक दूसरे की बातों का या एक दूसरे का सम्मान करते हैं और संग साथ साथ रहते हैं लिविंग टुगेदर बिकेम अ शेयर आइडियल इन अवर कंट्री लेटस्ट लुक एट सम ऑफ द मेजर वेज इन दिस हैपेन आइए हम देखते हैं यह सब कैसे होता है लिंग्विस्टिक स्टेट्स द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स व द फर्स्ट मेजर टेस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिसी इन आवर कंट्री लिंग्विस्टिक स्टेट का बनाया जाना सबसे पहला प्रयोग हमारे देश में या हमारे लोकतान्त्रिक देश में माना जाता है मीन्स जो भाषाई आधार पर हमारे स्टेट बनाए गए हैं ये शायद संवैधानिक स्तर पर और लोकतान्त्रिक स्तर पर पहला प्रयोग है इफ़ यू लुक एट द पोलिटिकल मैप ऑफ इंडिया वेन इट बिगेन इट्स जर्नी आ डेमोक्रेटिक नाइनटीन फोर्टी सेवन आइनटी टू टू थाउजेंड सिक्स अगर हम भारत के पोलिटिकल मैप को देखें उन्नीस सौ सैंतालीस से लेकर के सन दो हज़ार छः तक के बीच का यू विल बी सरप्राइज डेट देंट ऑफ द चेंजेज मैनी ओल्ड स्टेट है कई सारे पुराने स्टेट खत्म कर दिए गए एंड मैनी न्यू स्टेट्स हैव बिन क्रिएटेड और कई सारे नए स्टेट बनाए गए एरिया बाउंड्रीज नेम्स ऑफ द स्टेट्स हैव बिन चेंज उनका एरिया चेंज हुआ उनके बाउंड्री लाइंस चेंज कर दी गई मीन्स उनका स्टेट या तो उनको बड़ा किया गया या तो उनको छोटा किया गया अधिकतर ज़्यादा स्टेट छोटे ही किए गए उनसे कई सारे स्टेट बनाए गए जैसे यूपी से ही उत्तराखंड बनाया गया है ना बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं स्टूडेंट्स और उनका नाम भी बदला गया इन नाइनटीन फोटी सेवन द बाउंड्रीज ऑफ द सेवरल ओल्ड स्टेट ऑफ इंडिया वर चेंज इन आर्डर टू क्रिएट न्यू स्टेट्स और कई सारे स्टेट को चेंज करके नए नए स्टेट्स बनाए गए दिस वाज डन टू इंश्योर दैट पीपल्स हु स्पोक द सेम लैंग्वेज और यह इस बात को एक ध्यान में रखकर बनाया गया कि कुछ ऐसे लोग हैं जो सेम लैंग्वेज बनाए बोलते हैं लिव इन द सेम स्टेट्स तो वो उस आधार पर डिवाइड किया गया कि जो जिस लैंग्वेज को बोलता है उनको उसी स्टेट के हिसाब से बांटा गया जैसे मराठी लैंग्वेज महाराष्ट्र पंजाबी लैंग्वेज पंजाब स्टूडेंट्स तो ऐसे बहुत सारी जैसे तमिल तमिलनाडु तमिल लैंग्वेज तमिल तमिलनाडु है ना आंध्रा में तमिल लैंग्वेज बोलते हैं है ना तो इस तरीके से कई सारे स्टेट बनाए गए उनके लैंग्वेज के आधार पर सम स्टेट्स वर क्रिएटेड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज अब इनमें भी कुछ स्टेट लैंग्वेज के ही बेस पर नहीं क्रिएट किए गए बट टू रिकोगनाइज डिफरेंट बेस ऑन द कल्चर एथनीसिटी आन जोग्राफी कुछ कल्चर के आधार पर जातीय समूह के आधार पर अथवा उनके भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर दीज इंक्लूड्स स्टेट्स लाइक नागालैंड उत्तराखंड एंड झारखंड अगर आप नागालैंड देखिए तो उनकी कल्चर डिफरेंस है जोग्राफी डिफरेंस है उनकी उत्तराखंड हमने बताया ही यूपी प्लेन्स एरिया है उत्तराखंड में आपका माउंटेन एरिया है तो उनको अलग कर दिया गया और आप झारखंड भी देख सकते हैं जो कि है ना बिहार से अलग किया गया तो कहीं ना कहीं ये जो भी डिवाइडेशन हुआ है स्टूडेंट्स वो आप वो हुआ है कल्चर के आधार पर इथेनिकसिटी के आधार पर या जोग्राफी की जोग्राफी उनके चेंजेस के आधार पर स्टूडेंट्स ये आपका पॉलिटिकल मैप है 2006 सिक्स का और इसमें आप देखिए डिफरेंट स्टेट्स दिए गए हैं आप चाहे पूर्वोत्तर के देख लीजिए है ना ये आपका अरुणाचल आसाम और इधर मणिपुर नागालैंड मिज़ोरम बहुत सारे स्टेट हैं ये शो कर रहा है कि पहले इनकी क्या कंडीशन थी पहले कितने एरिया में थे या बाद में तोड़कर इनको कितना बनाया गया चलिए स्टेट स्टूडेंट्स हम लोग आगे चलते हैं स्टूडेंट्स हियर हेरा कार्टून यूज हिंदी वाई हिंदी वाई नॉट बंगला और तेलुगु हिंदी ही क्यों यूज किया जाए क्यों बंगला या फिर तेलुगु लैंग्वेज का यूज क्यों ना किया जाए तो यहाँ पर एक इन कार्टून के थ्रू ये बताया है कि हम किसी भी एक लैंग्वेज का डोमिनेशन क्यों करें क्यों हम सभी लैंग्वेज को बराबर नहीं दे सकते हैं शायद इसीलिए आपके भारत में हिंदी को पूर्णतः ऑफिशियल लैंग्वेज ही बनाया गया ना कि पूरा उनका नेशनल लैंग्वेज बनाया गया ठीक है ना ये माना गया कि हाँ हिंदी को हम राजकीय कामकाज में यूज़ करेंगे लेकिन हम पूरे देश की भाषा नहीं बना सकते हैं क्यों नहीं बना सकते हैं स्टूडेंट्स क्योंकि बहुत सारी भाषाएं हैं हर राज्य में वो सब सोचते हैं कि कहीं हमारी लैंग्वेज पीछे ना हो जाए हमारी लैंग्वेज ख़त्म ना हो जाए इसलिए उन्होंने हिंदी का विरोध किया चलिए फ़िलहाल हम चलते हैं अपने टॉपिक पर बेन द डिमांड्स फॉर द फार्मेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज वाज रेज सम नेशनल लीडर्स फीयर दैट इट वुड लीड टू द डिसंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री स्टूडेंट्स ये एक क्वेश्चन का आंसर भी हो सकता है क्वेश्चन इस तरह बन सकते हैं कि वाई द लीडर्स आर फीयर वेन द पीपल्स डिमांड द सेपरेट स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज तो हमारे लीडर क्यों डरे हुए थे जब उनसे मांगा गया सेपरेट इस्टेट एक अलग स्टेट राज्य के आधार पर मीन्स लैंग्वेज के आधार पर तो क्या बातें थी तो मेन बातें यही थी स्टूडेंट्स यहाँ पर समझिए आप कहीं ना कहीं कि उनके मन में था कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री कि कहीं देश में अखंडता मीन्स देश का विभाजन ना हो जाए लैंग्वेज के आधार पर और लोग आपस में ही लड़ाई न करने लगें द सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्टिस्ट रेसिस्टेड लिंग्विस्टिक स्टेट्स फॉर समाइम्स बट द एक्सपीरियंस हैज सोन दैट द फार्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैज़ एक्चुअली मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड इट आल्सो द एडमिनिस्ट्रेशन इजियर स्टूडेंट्स जब लैंग्वेज के आधार पर इस्टेट का फॉर्मेशन होने की बात हुई तब सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन सभी की बातों को कुछ शायम समय के लिए टाल दिया लेकिन अगर एक अनुभव से देखा जाए तो लिंग्विस्टिक इस्टेट्स जो बनाए गए बेटा उसमें कंट्री को कही न कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा यूनाइट किया और शासन करने में भी बहुत ज़्यादा मदद मिली ठीक स्टूडेंट्स चलिए हम चलते हैं लैंग्वेज पॉलिसी पर आज सेकेंड टेस्ट फॉर द इंडियन फेडरेशन इज़ द लैंग्वेज पॉलिसी जो हमारे संघ की दूसरी जो टेस्ट है या जो दूसरा प्रयोग था वो था लैंग्वेज पॉलिसी की अब देश में कौन सी लैंग्वेज हो पहला तो हो गया लैंग्वेज ऑन द स्टेट कि भाई हमारा जो स्टेट बने वो लैंग्वेज के बेस पर बने बात पहले तो सरकार को यही लगने लगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा देश टूट जाएगा भाई हर राज्य बन जाएंगे और सभी राज्य वाले अपने अपना डिमांड रखेंगे कि मेरा मेरी लैंग्वेज को हेड बनाया जाए या मेरी लैंग्वेज ही पूरे देश पर शासन करे लेकिन बट क्या हुआ कि जब बनाया गया डिवाइड किया गया आंध्र प्रदेश सबसे पहला स्टेट था जो डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज लेकिन ये देखा गया कि कहीं ना कहीं हमारा देश एक भी हो गया क्योंकि अगर सबको पावर ना शेयर किया जाता सबको ना दिया जाता लैंग्वेज का उनका अपना एक मीन्स अधिकार तो हो सकता था कि पूरा देश में सिविल वार हो जाता लेकिन जब उनको एक दे दिया गया उनको अलग से उनका दे दिया गया भाई कि चलो आपका लैंग्वेज के आधार पर स्टेट हो गया तो सारे लोग शांत हो गए और प्रेम पूर्वक रहने लगे तो यहीं पर ये समझाने की कोशिशें कर रहे हैं कि फेडरेशन का मतलब यहाँ पर क्या है दूसरी बात यह भी बताने की कोशिश किया जा रहा है बेटा कि यहां पर पावर शेयरिंग भी देखे कितना इंपॉर्टेंस हुआ स्टूडेंट्स लैंग्वेज पॉलिसी अ सेकेंड टेस्ट फॉर द इंडियन फेडरेशन द लैंग्वेज पॉलिसी आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ द नेशनल लैंग्वेज टू एनी वर्ल्ड लैंग्वेज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी एक लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज नहीं घोषित किया हिंदी वाज द आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी को एक ऑफिशियल लैंग्वेज मीन्स राजभाषा के रूप में मान्यता तो मिली ठीक है ना तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि विच वाज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया योर आंसर इज हिंदी बट बट हिंदी इज मदर टंग ऑफ़ दनली अबाउट फोर्टीन परसेंट ऑफ इंडियंस लेकिन अगर देखा जाए तो पूरे देश में केवल चालीस परसेंट लोगों की ही मातृभाषा हिंदी है देयर फोर देयर वर मैनी सेफ गार्ड टू प्रोटेक्ट अदर लैंग्वेज बहुत सारे नियम बनाए गए दूसरी लैंग्वेज को ही बचाने का बिसाइड हिंदी देयर आर ट्वेंटी वन लैंग्वेज रिकोगनाइज एज शड्यूल लैंग्वेज बाई द कॉन्स्टिट्यूसन स्टूडेंट्स यहाँ पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाउ मेनी शेड्यूल लैंग्वेज योर आंसर इज़ ट्वेंटी टू अब यहाँ पर ज़्यादा ध्यान दीजिए बिसाइड हिंदी हिंदी के अलावा ट्वेंटी वन अगर हम हिंदी को ले लेंगे तो बेटा ट्वेंटी टू हो जाएगा हमारा ठीक ना तो शेड्यूल लैंग्वेज क्या होती है ये ऐसी लैंग्वेज बेटा जिनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने मान्यता दिया है कि ये किसी भी स्टेट की वहाँ की मेन लैंग्वेज हो सकती हैं ठीक है ना जैसे आप देखिए तो आपके यूपी की दो लैंग्वेज है एक हिंदी है दूसरी उर्दू है वैसे ही हर राज्य की अपनी अपनी मेन भाषाएं हैं तो उनको हम शेड्यूल लैंग्वेज में रखते हैं अ कैंडिडेट इन द एग्जामिनेशन कंडक्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट पोजिशन मेन ऑप्शन टू टेक द एग्जामिनेशन इन एनी वन दीज लैंग्वेज अगर आप देखिए जब व्यक्ति कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम देता है तो उसको उन्हीं बाईस भाषाओं में से पेपर देने के लिए बोला जाता है अभी हम आपको आगे दिखाएंगे कि वो बाईस भाषाएं कौन सी हैं हिंदी को लेकर के स्टेट टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेट की भी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज होती है मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क टेक्स प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्नेट स्टेट मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क टेक्स प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्नेट स्टेट तो यहाँ बहुत सारी भाषाएं ऐसी हैं जो हर स्टेट की अपनी भाषाएं हैं और स्टेट उन्हीं अपनी लैंग्वेज को लेकर के ही उन पर वर्क करता है मतलब जो भी पेपर कराएगा जो बच्चे एग्जाम देंगे वो उन्हीं भाषाओं के आधार पर जो उस स्टेट में फॉलो की जाती हैं अनलाइक श्रीलंका श्रीलंका की तरह नहीं द लीडर्स ऑफ द कंट्री अडाप्टेड अ बेरी कासंस दूज ऑफ हिंदी श्रीलंका द लीडर्स ऑफ कंट्री अडोप्टेड बेरी का यूज ऑफ हिंदी श्रीलंका के जस्ट अपोजिट हमारे देश में जो भी लीडर थे उन्होंने हिंदी को बढ़ावा देने के लिए कुछ अलग ही वर्क किया वो नहीं सिनेहला जैसे वहाँ श्रीलंका में सिनेहला लैंग्वेज थी तो सारा कुछ उसी पे डिपेंड कर दिया गया ऐसा कुछ हमारे यहाँ नहीं किया गया हमारे यहाँ हिंदी को बढ़ाने के साथ साथ और भी लैंग्वेज को भी प्रमोट किया गया जिससे कोई विवाद ना हो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द यूज ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पज वॉस टू स्टॉप इन नाइनटीन अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखें तो इंग्लिश का ऑफिशियल यूज 1965 तक बंद हो जाना चाहिए था हाउ यूवर मैनी नॉन स्टेट्स हिंदी स्पीकिंग इस्टेट्स डिमांड डेट द यूज ऑफ इंग्लिस कॉन्टीन्यू लेकिन जो बहुत सारे गैर हिंदी भाषी राज्य थे जिनमें हिंदी नहीं बोली जाती थी उन्होंने इंग्लिश को कॉन्टीन्यू रखने का डिमांड किया इन तमिलनाडु दिस गवर्नमेंट टुक अ वायलेंट फॉम और दिस मूमेंट सॉरी दिस मोमेंट टुक अ वायलेंट फॉर्म तमिलनाडु में क्या हुआ कि ये मांग कि इंग्लिस को ही बनाया जाए Uh, मतलब इंग्लिश को ना बंद किया जाए चलने दीजिए ये एक वायलेंट हो गया वहाँ पर हिंसक हो गया द सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड बाय द एग्रींग टू कंटिन्यू द यूज ऑफ इंग्लिश तब सेंट्रल गवर्नमेंट ने हिंद इंग्लिश को सहमति दे करके अपना वर्क किया हिंदी के साथ में मीन्स हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी हम यूज़ कर सकते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज के तरह जैसे क्या था कि इंग्लिश को बंद कर दिया जाना चाहिए था उन्नीस तक लेकिन नहीं हुआ क्यों क्योंकि राज्य ऐसे राज्य जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती थी वो इंग्लिश का ही यूज़ करते थे अब वो अपना वर्ग करेंगे कैसे चूँकि उनको हिंदी आती नहीं थी इसलिए उन्होंने विरोध किया कि नहीं नहीं इंग्लिश को भी चालू रखा जाए तब कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस बात को समझा और उन्होंने इंग्लिश को फिर से स्टार्ट कर दिया और हिंदी को भी उन्होंने प्रमोट करना स्टार्ट किया मैंने क्रिटिक्स थिंक दैट द सोल्यूशन फेवर्ट द इंग्लिश स्पीकिंग एलिएट कई सारे लोगों ने सोचा कि इससे जो इंग्लिश बोलते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होगा और बहुत सुविधाजनक बात होगी ये भी ठीक थी प्रमोशन ऑफ हिंदी कंटिन्यू टू बी द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हिंदी को प्रमोट करना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल वर्क चलता रहा प्रमोशन ऑफ प्रमोशन डज़ नॉट मीन दैट देंट्रल गमेंट स्टूडेंट्स यहाँ से आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा प्रमोशन का ये मतलब नहीं हुआ क्या नहीं हुआ कि गवर्नमेंट कैन इम्पोज हिंदी ऑन द स्टेट वेयर पीपल्स स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज कि वो लोगों पर हिंदी को नहीं थोपेंगे जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती है प्रमोशन मतलब हुआ केवल प्रमोट करना ठीक है ना ना कि किसी पर थोपना द फ्लेक्सिबिलिटी शोन बाय द इंडियन पॉलिटिक्स लीडर्स हेल्प आवर कंट्री अवॉइड द काइंड ऑफ सिचुएशन श्रीलंका फाइंड इट्स सेल्फ इस तरीके के पॉलिसी जो लागू की गई हमारे देश में कि हम हिंदी को बढ़ावा देंगे लेकिन किसी पर थोपेंगे नहीं शायद इसने वो उस सिचुएशन से बचा लिया जो सिचुएशन श्रीलंका में फेस हुई थी मतलब श्रीलंका ने क्या किया कि जबरदस्ती से नहला लैंग्वेज सब पे थोपना स्टार्ट किया तब वहाँ पे सिविल वार हो गई बट अपने देश में क्या हुआ कि थोपी नहीं गई बल्कि लोगों को जागरूक किया जाने लगा धीरे धीरे लें, हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट किया जाने लगा लेकिन ज़बरदस्ती फोर्स नहीं किया गया ओके स्टूडेंट्स सेंट्रल स्टेट रिलेशन्स री द स्टेट स्टेट रिलेशन इज वन मोर वे इन विच द फेडरलिज्म हैज बीन स्ट्रेंथ इन प्रैक्टिसेस सेंट्रल और स्टेट के रिलेशन को फिर से रिस्ट्रक्चर किया गया जिससे देश में संघवाद को मजबूती मिली हाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स फॉर शेयरिंग पावर वर्क इन अर्लियर डिपेंड्स टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑन हाउ द रूलिंग पार्टीज एंड लीडर्स फॉलो दीज अरेंजमेंट्स कह रहे हैं कि हाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर द शेयरिंग पावर वर्क कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट हमारा जो है जो संवैधानिक अरेंजमेंट है वो पावर शेयरिंग का जो वर्क है वो रियली में डिपेंड है ऑन अ लार्ज एक्सटेंट हाउ द रूलिंग पार्टीज एंड द लीडर्स फॉलो दिस अरेंजमेंट बहुत बड़ा है और कैसे इसको रूलिंग पार्टियाँ या उनके लीडर्स को फॉलो करते हैं ये डिपेंड करता है उन पर फॉर अ लॉन्ग टाइम्स द सेम पार्टी रूल्ड बोथ एट द सेंट्रल एंड एंड इन मोस्ट स्टेट्स कभी कभी ये हो जाता है कि एक ही पार्टी वही सेंटर में भी गवर्न करती है और वही कई सारे राज्यों में जैसे कि इस में है बीजेपी सेंटर में भी गवर्न कर, कर रही है और बहुत सारे स्टेट में भी गवर्न कर रही है दिस मीन्स दैट द स्टेट गवर्नमेंट डिड नाट एक्सरसाइज दियर टाइट्स एज ऑटोनस फेडरल यूनिट इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स राज्य सरकारों ने अपने अधिकारों का स्वतंत्रता पूर्वक प्रयोग नहीं कर पाए क्यों नहीं कर पाए क्योंकि जो साइज सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो डायरेक्ट स्टेट को अपने हाथ में ले लेती थी क्योंकि दोनों ही पार्टियाँ आया दोनों ही पार्टियों का शासन एक जगह था सेंटर में भी वही थी और स्टेट में भी वही थी तो सेंटर कहीं ना कहीं उन पर अपना फोर्स ज़्यादा कर ले जाता था एच एंड वेन द रूलिंग पार्टी एट द स्टेट लेवल आवाज डिफरेंट और जब ये डिफरेंट हुआ द पार्टीज दैट रूल्ड एट सेंटर टाई टू अंडर माइन द पावर ऑफ़ स्टेट जब ऐसा डिफरेंट होने लगा कि सेंटर में किसी और पार्टी के शासन हो और स्टेट में किसी और पार्टी का तब सेंटर ने किया क्या किया कि उसने स्टेट पर अपनी धौंस जमाना स्टार्ट कर दिया मीन्स उसने स्टेट के पावर को अंडरमाइन किया अनदेखा किया इन दोज डेज द सेंट्रल गवर्नमेंट्स वुड ऑफन मिस यूज़ द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट और इन दिनों में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन का गलत यूज करके स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया मीन्स हटा दिया कंट्रोल बाय द रिबल पार्टीज दिस अंडरमाइन द स्प्रिट ऑफ फेडरलिज्म तो ये कहीं ना कहीं फेडरलिज्म का जो स्प्रिट है उसके अगेंस्ट था फ्रेडरिंग का मतलब होता है कि आपस मिलजुल के चलना बट जब सेंट्रल ने स्टेट को अपने कब्जे में ले के उनके पावर को ख़त्म कर दिया तो कहीं ना कहीं क्या हुआ फेडरलिज्म अफेक्टेड हुआ इससे ऑल दिस चेंज सिग्निफिकेंटली आफ्टर 1990 ये सब बहुत कुछ चेंज हुआ 1990 के दशक में दिस पीरियड सात द राइज ऑफ नेशनल पोलिटिकल पार्टीज इन मैनी स्टेट्स ऑफ द कंट्री ये एक ऐसा टाइम था जब पूरे देश में राज्यों में छोटी छोटी रीजनल पार्टियाँ बनने लगी दिस वॉज आल्सो द बिगिनिंग ऑफ द इरा ऑफ कोलिएशन गवर्नमेंट और ये एक समय का गठबंधन सरकार का जन्म होता है गठबंधन सरकार मतलब हुआ जिसमें मोर देन वन पार्टी क्या होती है जुड़ कर गवर्नमेंट बनाती है मीनस जब अकेली पार्टी मेजोरिटी नहीं पाती है तो क्या करती है अन्य छोटी छोटी पार्टियों का साथ लेकर के एक बिग पार्टी के रूप में अपने आप को ना दर्शाती है तो उसको हम बोल देते हैं बेटा कोलियसन गवर्नमेंट गठबंधन की सरकार जैसे एक आप देखते होंगे बीजेपी के साथ में शिवसेना रहती है अकाली दल रहता है तो बहुत सारी पार्टियां क्या होती हैं मीन्स ज्वाइन करती हैं कभी कभी क्या होता है कांग्रेस साथ में जब आपने देखा होगा कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी जुड़ जाती है ममता बनर्जी की पार्टी तो इस तरह मिल करके एक उनका दल बन जाता है ठीक है ना और वो क्या होता है बेटा गठबंधन का दल होता है उसका हिंदी होती इंग्लिश होती है कोलिएसन गवर्नमेंट एट द देंटर्स सिंस नो सिंगल पार्टी गॉट आ क्लियर मेजोटी अब यहाँ पर जरा समझिए कि इज द कोलिएसन गवर्नमेंट ठीक है ना ये बता रहे हैं आप हाईलाइट करते चलिए अपनी बुक में इन लोकसभा द मेजर नेशनल पार्टीज हैड टू इंटर इनटू एन एलियंस विद मेनी पार्टीज इंक्लूडिंग सेवरल रीजनल पार्टीज टू फॉर्म अ गवर्नमेंट एट द सेंटर क्या होता है कोई एक सेंट्रल पार्टी जो बड़ी पार्टी होती है वो रीजनल जो क्षेत्रीय पार्टियाँ होती हैं उनको साथ लेकर के एक बिग पार्टी बनाती है कहाँ पर सेंटर में मीन्स गवर्नमेंट बनाती है हमने बताया ना एग्जाम्पल दे करके भी दिस लेड टू अ न्यू कल्चर ऑफ़ पावर शेयरिंग एंड रेस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट कहीं ना कहीं आ एक नई प्रकार का पावर शेयरिंग हुआ बिल्कुल हुआ कैसे हुआ स्टूडेंट्स जरा देखिए आप कि एक सेंटर की पार्टी जिसके पास कंप्लीट मेजोरिटी नहीं थी उसने क्या किया कि कई सारी पार्टियों को मिलाया और मिला कर के एक बिग पार्टी के रूप में अपने आप को उसने शो किया अब जब उसकी गवर्नमेंट बनेगी तो वो उन सभी लोगों को उनका हिस्सा देगी जो उनको मिल कर के वहाँ तक पहुँचाए हैं अब इस तरीके से क्या होगा कि जो गवर्नमेंट बनाएगी जो पार्टी वो अपनी मनमानी नहीं कर सकती है उसको उन पार्टियों का भी साथ देना पड़ेगा जो उनको वहाँ तक पहुँचाई हैं तो कहीं ना कहीं क्या हुआ बेटा यहाँ पर पावर शेयरिंग हुई दिस लेट टू न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग रेस्पेक्ट ऑफ ऑटोनोमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की ऑटोनॉमी को भी स्वीकार किया जाने लगा दिस ट्रेंड वाज सपोर्टेड बाई अ मेजर जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट दैट मेड इट डिफिकल्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट इन एंड अब इससे क्या हुआ इससे एक ये भी हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो मनमानी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर देती थी अब शायद उसके हाथ बंध गए दस फेडरल पावर सेविंग इज मोर इफेक्टिव टुडे देन इट वाज इन द अर्ली ईयर्स आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स आज कुछ ज्यादा ही प्रभावशाली है ये आपका फेडरल सिस्टम पहले के अपेक्षा जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने अपना रूप लिया छब्बीस जनवरी उन्नीस सौ पचास से तब उसमें शायद उतना ज़्यादा फेडरल सिस्टम नहीं मजबूत था जितना कि आज है स्टूडेंट्स यहाँ पे बेटा एक कार्टून दिया गया है जिसमें ये देखिए पावर शेयर का मीन्स ये यहाँ पर ये सेंट्रल गवर्नमेंट बनाया गया है और सभी राज्यों को पावर शेयर किया जा रहा है और सभी राज्य कटोरा लेके खड़े हैं मीन्स भीख मांग रहे हैं सेंटर से यहीं पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है और ये देखिए आर यू सजेस्ट दैट रीजनलिज्म गुड फॉर आवर डेमोक्रेसी आर यू सीरियस कह रहे हैं बता रहे हैं कि क्या क्षेत्रवाद हमारे देश के लिए अच्छा है या फिर बुरा आप इस पर ज़रा सोचिए ठीक है दूसरा जो कार्टून यहाँ पर दिया गया है कोडिएशन गवर्नमेंट का दिया गया है और इसमें भी ये दिखाने की कोशिश किया गया है कि देखिए बहुत सारी पार्टियाँ मिल के है ना कोई एक गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं और जो बड़ी पार्टी होती है वो सबको अपने साथ में लेकर के चलती है ठीक है ना यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स लिखा भी गया है ही आर आर द टू कार्टून सोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट शुड बी स्टेट गो टू सेंटर विद द बिगनिंग बाउल बिगिंग बाउल्स जहाँ पर वो कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं हाउ कैन बी द लीडर्स ऑफ द कोलिएशन कीप द पार्टनर्स ऑफ द गवर्नमेंट सेटिसफाई और कैसे जो कोलिएशन गवर्नमेंट का लीडर होता है वो अपने सभी पार्टनर को सेटिसफाई करता है कोलिएशन गवर्नमेंट में चलिए स्टूडेंट्स हम लोग आगे चलते हैं स्टूडेंट्स ये वो आपकी लैंग्वेज हैं शेड्यूल लैंग्वेज जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बताए गए हैं और इसमें हिंदी को भी शामिल किया गया है इसे यहाँ पर टोटल ट्वेंटी टू लैंग्वेज को दिखाया गया है आप इनका नाम देख सकते हैं यही हमारी ट्वेंटी टू लैंग्वेज हैं जिनको शामिल किया गया है एज अ शेड्यूल लैंग्वेज स्टूडेंट्स लेट्स बी डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया बी नोटेड अब अब दास फेडरल गवर्नमेंट हैव टू आर द मोर टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट हमने ये देखा कि जो फेडरल गवर्नमेंट होती है उसमें दो या दो से अधिक लेबल की गवर्नमेंट होती है वी हैव सो फार डिस्कस द टू टायर्स ऑफ गवर्नमेंट इन आवर कंट्री हमने दो टायर्स की दो लेबल्स की गवर्नमेंट को डिस्कस किया बट अ वास्ट कंट्री लाइक इंडिया कैन नॉट बी रन ओनली थ्रो दीज टू टायर्स लेकिन अगर एक बड़े भारत एक बड़े देश के लिए देखा जाए जैसे भारत ही है तो उसके लिए दो लेवल की गवर्नमेंट शायद ज़्यादा बेहतर नहीं हो पाएगी स्टेट इन इंडिया आर एज अ लार्ज एज इंडिपेंडेंस कंट्री ऑफ यूरोप स्टेट इन इंडिया एज अ लार्ज एज अ इंडिपेंडेंस कंट्री ऑफ यूरोप यूरोप में जो छोटे छोटे देश हैं उनके बराबर हमारे देश हमारे देश में उतने बड़े बड़े स्टेट हैं इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश इज द बिगर दें रसिया अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो रसिया से भी बड़ा हमारा उत्तर प्रदेश है महाराष्ट्र इज अबाउट बिग एज जर्मनी महाराष्ट्र उतना बड़ा है जितना बड़ा कि जर्मनी मैनी ऑफ मीन्स जर्मनी की जितनी पॉपुलेशन होगी बेटा उतना ही महाराष्ट्र की भी पॉपुलेशन है मैनी ऑफ दीज स्टेट्स आर इंटरनली वेरी डाइवर्स लेकिन अगर देखा जाए तो ये सारे स्टेट आंतरिक रूप से बहुत ज़्यादा एक दूसरे से भिन्न हैं दीज आर दस इन आ नीड फॉर द पावर शेयरिंग विद इन दीज स्टेट्स और आज इसमें नीड है किसकी बेटा पावर शेयरिंग की फेडरल पावर शेयरिंग इन इंडिया नीड्स अदर टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट इंडिया में जो फेडरल सिस्टम है इसमें और भी एक लेवल की गवर्नमेंट की डिमांड होती है बिलो दैट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इस्टेट गवर्नमेंट के नीचे एक और गवर्नमेंट आपने देखा होगा द रीजनेबल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो डिसेंट्रलाइजेशन करता है पावर का मीन्स पावर का विकेंद्रीयकरण पहले इस पॉइंट को आप समझ लीजिए देखिए ये हुआ सेंट्रलाइजेशन अब यहाँ पर हमने क्या किया छोटे छोटे स्टेट बना दिए बेटा और इसकी पावर को हमने सब में बांट दिया ये कर दिया अब यहाँ पर क्या हुआ जो पहले सेंट्रलाइजेशन था उसका क्या हो गया बेटा डिसेंट्राइजेशन मतलब विकेंद्रीयकरण जहाँ पे पहले केंद्र था सारा कुछ बांट दिया गया क्या कर दिया गया दूसरे में तो वहाँ पर क्या हुआ उसका पावर डिवाइड हो गया और इसी को हम बोलते हैं क्या बेटा डिसेंट्रलाइजेशन विकेंद्रीयकरण पावर का विकेंद्रीयकरण जैसे एक एग्जाम्पल और लीजिए आपके कोई हेड हो और उसने क्या किया कि उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो पूरा गवर्न करता उसने अपने छोटे छोटे अधिकारियों में अपना सारा पावर डिवाइड कर दिया अब इसका क्या हुआ कि जहाँ पूरा पावर एक ही व्यक्ति में समाहित था तहाँ उसका पूरा पावर क्या हुआ कई लोगों में चेंज डिवाइड कर दिया गया तो यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन था जब उसके पास पावर खुद की थी लेकिन जब उसका पावर सब में बांट दिया गया तो क्या हो गया बेटा वो डिसेंट्रलाइजेशन हो गया बेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवेन टू तो द लोकल गवर्नमेंट यही है डिसेंट्रलाइजेशन की डिफिनीसन इसको नोट कर लीजिए आप कि जब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पावर को लेकर के लोकल गवर्नमेंट में दे दिया गया इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। द बेसिक आइडिया डिसेंट्रलाइजेशन इज दैट व्हाट इज द नीड ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन? दिस इज द क्वेश्चन एंड आंसर इज हियर द बेसिक आइडिया डिसेंट्रलाइजेशन इज दैट देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ द प्रॉब्लम्स एंड आर बेस्ट सेटल एट द लोकल लेवल बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं समस्याएं हैं नीड हैं जिनको कि केवल हम लोकल लेवल पर ही सॉल्व कर सकते हैं पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर लोकेलिटी लोगों को अपने लोकेलिटी के बारे में ज़्यादा नॉलेज होता है दे आल्सो हैव बेटर आइडिया ऑन वेयर टू स्पेंड मनी एंड हाउ टू मैनेज थिंग्स मोर रिसेंटली लोगों को इस बात का ज़्यादा पता रहता है कि पैसा कैसे खर्च किया जाए और किस तरीके से व्यवस्थाओं को मैनेज किया जाए स्टूडेंट्स जैसे आप देखिए कि आपके गांव में मान लीजिए रोड है या नालियाँ हैं वो बिगड़ गई हैं तो स्टेट इस गो इस्टेट के मुख्यमंत्री को या उसके मंत्री को क्या पता है? कि इस गांव में नाली बिगड़ गई है लेकिन उसी में प्रधान को पता होता है क्योंकि क्या है गांव के लोग अपनी समस्याएं किससे बताते हैं बेटा प्रधान से अब प्रधान क्या करता है उनकी मरम्मत कराता है और उनको सही कराता है तो जितना बेहतर हम लोकल लेवल पर वर्क कर सकते हैं उतना हम स्टेट से लोकल पर नहीं कर सकते हैं बिसाइड एट द लोकल लेवल इट पॉसिबल फॉर द पीपल्स टू डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग और लोकल लेवल के जो पीपल्स होते हैं वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं डिसीजन मेकिंग में दिस हेल्प टू इन कैलकुलेट हैबिट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन और ये कहीं ना कहीं एक लोगों को कहीं ना कहीं लोकल गमेंट में शामिल करना सबसे बेस्ट हो जाता है जब हम उनको शामिल करते हैं डिसीजन मेकिंग में रिलाइज वन इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी नेमली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट द नीड फॉर द डिसेंट्रलाइजेशन वाज रिकॉग्नाइज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिसेंट्रलाइजेशन की जो नीड है जो डिमांड है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई है सिंस देन देयर डिसेंट्रलाइज पावर टू द लोकल ऑफ द विलेज एंड टाउन्स कई सारे ऐसे हैं स्तर हैं बताए गए हैं जिसमें जहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन किया गया है पावर का और गांव और शहरों की तरफ पंचायत इन लोकल लेवल में देखा जाए स्टूडेंट्स तो पंचायत आपका होता है गांव स्तर पर और म्यूनसिपाल्टीज होती है आपकी शहरों में आप देखते होंगे शहरों में म्यूनसिपाली सिस्टम होता है और गांव में वहीं पर पंचायती राज व्यवस्थाएँ है होती हैं बट दीज वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट लेकिन ये सारा जो कुछ कंट्रोल होता है इस पर स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है इलेक्शन टू बी दीज लोकल गवर्नमेंट्स वर नॉट हेल्ड रेगुलरली इन लोकल गवर्नमेंट का जो इलेक्शन होता है रेगुलर तरीके से नहीं हो पाता है लोकल गवर्नमेंट्स डिड नाट हैव एनी पावर आर रिसोर्स ऑफ देयर ओन ना तो उनके पास खुद की पावर होती है ना ही उनके पास कोई रिसोर्स होते हैं जिनका कि वो खुद से यूज कर सकें दस देयर वर वेरी लिटिल डिसेंटलाइजेशन इन इफेक्टिव टर्म्स तो अगर देखा जाए तो बहुत कम डिसेंटलाइजेशन होता है स्टेट के पावर कल लोकल लेवल पर ठीक है ना अगर मतलब लोकल लेवल के जो व्यक्ति हैं जो हमारी संस्थाएं हैं जैसे पंचायती राज सिस्टम या म्यूनसिपाली सिस्टम अगर उनका खुद का पावर होता है कि मीन्स वो नियम भी बनाते अपने लिए उनके पास इतना रिसोर्सेस होते कि वहाँ से इनकम होती और अपनी व्यवस्थाएं खुद देखते तो शायद वो ज़्यादा इफेक्टिव थे लेकिन ये इनके पास ना तो उनका खुद का फंड होता है ये डिपेंड होते हैं स्टेट गवर्नमेंट पर अथवा सेंट्रल गवर्नमेंट पर जब वहाँ से पैसे आते हैं तो ये अपना विकास डेवलपमेंट करते हैं तो कुछ कहीं ना कहीं दिक्कतें ज़रूर हैं जरूर है हमारे सेंट्रल लेवल पर लेकिन क्या है कि व्यवस्थाएं सुधर नहीं रही हैं दिन ब दिन और इनमें भी बेहतर सुधार देखने को मिलेगा अब मेजर स्टेप टू डिसेंट्रलाइजेशन वाज टेकन इन 1992 1992 में सबसे बेहतर स्टेप लिए गए डिसेंट्रलाइजेशन के द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेन टू मेक द थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेसी मोर पावर एंड इफेक्टिव उन्नीस में कुछ संशोधन किए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिससे कि हमारे जो थर्ड टायर का मीन्स लोकल लेवल गवर्नमेंट है ये और ही मजबूत और प्रभावशाली हुआ नाउ इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली ले मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज अभी तक इन्होंने बताया कि लोकल गवर्नमेंट में कोई नियम नहीं था इलेक्शन होने का बट यहाँ पर क्या है कि उन्नीस सौ से हो जाने लगा कि अब बराबर इलेक्शन होंगे सीट्स आर रिजर्व इन द इलेक्टेड बॉडीज एंड द एग्जीक्यूटिव हेड्स ऑफ द दीज इंस्टीट्यूशन इस फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर रैकवर्ड क्लासेस सीटों को रिजर्व किया जाने लगा एस के लिए एस के लिए और ओ के लिए ये सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चल रहे हैं इस समय ठीक है ना एट वन थर्ड ऑफ द आल पोजिशंस रिजर्व फॉर द उमेन और लोकल लेवल में एक बटा तीन भाग महिलाओं के लिए सीट रिज़र्व की गई मीन्स अगर कोई लोकल लेवल का चुनाव होता है तो वहाँ पर महिला सीट आरक्षित कर दी जाती है वन थर्ड आप देखते होंगे आप जब प्रधानी चुनाव होता है तो वहाँ पर कुछ महिलाएं स्टैंड होती हैं इलेक्शन है में तो कहा जाता है भाई कि इस एरिया का जो प्रधानी की सीट है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज़ बिन क्रिएटेड इन ईच स्टेट टू कंडक्ट पंचायती राज एंड म्यूनसिपल इलेक्शन और एक स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया जो हर स्टेट के पंचायती राज सिस्टम और म्यूनसिपल इलेक्शन को कंप्लीट कराएगा गया स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विद द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ और स्टेट गवर्नमेंट अपना कुछ रेवेन्यू कुछ धन कुछ पावर लोकल गवर्नमेंट को भी देगा द नेचर ऑफ़ द शेयरिंग वेरियस फॉम फॉम स्टेट टू इस्टेट ये जो पावर शेयर करने का या जो धन शेयर या रेवेन्यू जो शेयर करने का है ये हर स्टेट में अपना अलग अलग है एक जैसे पूरे भारत में नहीं है रूरल लोकल गवर्नमेंट इज़ पापुलरली नोन बाई द नेम पंचायती राज अगर ग्रामीण इलाके का जो लोकल गवर्नमेंट है उसको हम पंचायती राज के नाम से जानते हैं ईच विलेज आर अ ग्रुप ऑफ विलजेज इन स्टेट्स है या ग्राम पंचायत सभी गांव या कुछ गांवों के समूह में ग्राम पंचायतें पाई जाती हैं दिस इज काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेबल वार्ड मेंबर्स जिसमें बहुत सारे वार्ड मेंबर्स भी होते हैं ऑफिन कार्ड पंच आर प्रेसिडेंट, प्रसिडेंट द सरपंच जिनको कि हम पंच बोलते हैं या फिर अध्यक्ष बोलते हैं या फिर सरपंच बोलते हैं देखिए स्टूडेंट जैसे सपोज कीजिए बहुत बड़ा सा गांव है तो इसमें कई सारे वार्ड में घरों को बाढ़ दिया जाता है और हर एक वार्ड से पंच को मिला लिया जाता है और उन्हीं वही पंच क्या करते हैं सरपंच को हेल्प करते हैं पूरे उतने बड़े से गाँव को गवर्न करने में ठीक है ना दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाई आल द एडल्ट पापुलेसन लिविंग इन द वार्ड, वो सभी लोग डायरेक्टली चूज किए जाते हैं उस वार्ड में जो भी लोग रहते हैं उनके थ्रू स्टूडेंट्स हमारे देश में डेमोक्रेसी की जो फॉर्म है वो है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी बट एक प्लेस ऐसा है जहाँ पर हमको डायरेक्ट डेमोक्रेसी देखने को मिलती है इनडायरेक्ट का मतलब ये हुआ कि हम डायरेक्ट अपने प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं करते हैं हम अपने सांसद विधायक को चुनते हैं और वो सांसद विधायक जब आगे जाके बैठते हैं सदन में तो वहाँ से वो अपना नेता चुनते हैं जिनको कि हम बोलते हैं प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री लेकिन एक पंचायती राज सिस्टम ऐसा होता है जहाँ पर हम डायरेक्ट अपना हेड चुनते हैं ठीक है ना वो है हमारा प्रधान ठीक ना तो यहां पर हमारा क्या होता है बेटा डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो जाती है तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि भारत में कौन सी डेमोक्रेसी है आंसर हमारा होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी बट एक लेवल ऐसा है जहां पर हम डायरेक्ट करते हैं तो वो हमारा लेवल कौन सा है बेटा वह है हमारा लोकल लेवल जहां पर हम डायरेक्ट चुनाव करते हैं अपने हेड का आर विलेज इन दिस डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द इंटायर विलेज ये जो जो ये जो बॉडी बनाई जाती है पंचायती राज सिस्टम की ये पूरे विलेज को गवर्न करती है द पंचायत वर्क अंडर द ओवरऑल सुपरविज़न ऑफ द ग्राम सभा पंचायत जो भी काम करती है वो ग्राम सभा के सुपरविज़न पर वर्क करती है आल द वोटर्स इन दिलेज आर इट्स मेंबर सभी वोटर्स उस गाँव के जो होते हैं वो उसके मम्बर माने जाते हैं इट हैज़ टू मीट एट लीस्ट ट्वाइस आर द्राइस इन अ अप्रूव द एनूअल बजट ऑफ द ग्राम पंचायत एंड टू रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्राम पंचायत और वो सारे लोग इकट्ठा होते हैं एक साल में दो या तीन बार ट्वाइस आर द्राइस दो या तीन बार इकट्ठा होते हैं ग्राम पंचायत का बजट लॉन्च किया जाता है रिव्यू किया जाता है और परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस भी चेक किया जाता है उस प्रधान का कि वो किस तरीके से देश ग्राम पंचायत का डेवलपमेंट कर रहा है द लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर गोज राइट अप टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल ठीक इसी तरह का स्ट्रक्चर हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी पाया जाता है आप ग्राम पंचायत आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फार्म व्हाट इज़ यूजुअली कॉल्ड द पंचायत समिति आर द ब्लॉक आर द मंडल ठीक है ना कुछ ग्राम पंचायतों का समूह मिलकर के क्या बनाता है बेटा पंचायत समिति अथवा ब्लॉक अथवा मंडल मीनस छोटे छोटे गाँव मिल कर के बेटा एक ग्राम सभा बनाते हैं ठीक है ना और फिर यही ग्राम सभा और फिर यही ग्राम सभा ग्राम पंचायत के नाम से भी जानी जाती है और कई सारे ग्राम पंचायत मिल के क्या बनाते हैं बेटा हमारा पंचायत समिति बनाते हैं जिनको कि हम ब्लॉक भी बोलते हैं या फिर उनको हम मंडल भी बोलते हैं दम्बर्स ऑफ दिस रिप्रेजेंटेटिव बॉडी आर इलेक्टेड बाई आल पंचायत मम्बर्स इन द एरिया वो सभी जो मेंबर्स होते हैं किसके पंचायत समिति के या फिर ब्लॉक के या फिर मंडल के वो सब चुने जाते हैं उस पंचायत मेंबर बनते हैं उस पंचायत एरिया के ठीक है ना मतलब ये सारे जो मेंबर बनाए जाते हैं बेटा वो सभी उन्हीं एरिया से चुन के आते हैं जो उसमें शामिल होते हैं आल द पंचायत समित आर मंडल इन अ डिस्ट्रिक्ट टूगेदर कॉन्स्टिट्यूट द जिला आर द डिस्ट्रिक्ट परिषद और यही हमारे जो ब्लॉक समित होते हैं ये इकट्ठा होकर के जिला परिषद बनाते हैं मोस्ट मेंबर्स ऑफ द जिला परिषद आर इलेक्टेड इलेक्ट किए जाते हैं मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एम एल तो अब देखिए जिला परिषद में कौन कौन होता है बेटा लोकसभा के मेंबर होते हैं जिनको हम एम बोलते हैं मेंबर्स ऑफ लेजिस्टिव मीनस लोकसभा पार्लियामेंट एम हो गए हमारे एम हो गए आद द डिस्ट्रिक्ट आद द सम अदर ऑफिसर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज़ आर आल्सो इट्स मेंबर तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि जिला परिषद के मेंबर्स कौन कौन होते हैं बेटा तो लोकसभा के मेंबर्स हो गए उस ज़िले के उस ज़िले के विधायक हो गए और कुछ ऑफिशियल व्यक्ति ठीक है डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो होते हैं वो जिला परिषद में शामिल किए जाते हैं जिला परिषद चेयरपर्सन इज़ द पोलिटिकल हेड ऑफ़ द जिला परिषद और उस जिला परिषद का जो चेयरपर्सन होता है वही पोलिटिकल हेड होता है कौन जिला परिषद का सिमिलरली द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज एग्जिस्ट फॉर द अर्बन एरिया एज वेल एज म्यूनसिपाल्टीज आर सेटअप इन द टाउंस ठीक ही म्यूनसीपा जैसे कि हमारा अर्बन एरिया के लिए भी ऐसे ही सेट किया जाता है मीनस म्यूनसिपाली जो हमारे नगरों में होती है बिग सिटीज़ आर द कॉन्स्टिट्यूटेड इन टू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बड़े शहरों में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है और छोटे शहरों में म्यूनसिपालीज़ होती हैं बोथ म्यूनसिपालीज़ एंड द द्यूनसिपल कॉरपोरेशन आर कंट्रोल्ड बाई इलेक्टेड बॉडीज़ कंसिस्टिंग ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव ये सभी हमारे जो चाहे वो म्यूंसिपल्टीज हो बेटा चाहे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो ये सभी कंट्रोल किए जाते हैं हमारे इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनके थ्रू ये गवर्न किए जाते हैं म्यूनसिपल चेयर म्यूनसिपल चेयरपर्सन इन द पोलिटिकल हेड ऑफ़ द द्यूंसिपालीज़ इन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सच एंड ऑफिसर द मेयर और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो हेड होता है बेटा उसको हम मेयर बोलते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर एक कार्टून दिया गया है सो बी आर लाई का थ्राइज थ्री टायर कोच इन अ ट्रेन तो मतलब हम ट्रेन में उस तीसरे बर्थ की तरह हैं ऐसे ट्रेन जिसमें तीन बर्थ हैं बट हम लोग क्या प्रेफर करते हैं हमेशा लोअर बर्थ हम कहाँ रहना अच्छा लगता है हमको हम लोअर बर्थ पर ठीक है ना जैसे कि एक ये हो गया इसके ऊपर एक सबसे टॉप पर जहाँ लोग लेटते हैं तो देखिए ना तो ऊपर वाले को अच्छा लगता है ना तो मिडिल वाले को नीचे ज़्यादा यही से हम उठेंगे अपना बाहर घूमेंगे फिर आके यहीं बैठ जाएंगे ट्रेन में तो यहाँ पर ये यह डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को समझाए हैं स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है जैसे कि प्राइम मिनिस्टर्स हमारे कंट्री को रन करते हैं चलाते हैं चीफ मिनिस्टर्स हमारे स्टेट को चलाते हैं तो लॉजिकली अगर उसी तरह देखा जाए तो जो जिला पर परस्थ, चेयरपर्सन होता है ज़िला परिषद का वो हमारा डिस्ट्रिक्ट भी चलाए लेकिन ऐसा नहीं है डी या कलेक्टर हमारे डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है ऐसा क्यों पूछा गया है इनसे ठीक है तो यहाँ पर एक मेन यही बात है कि जो जिला परिषद का हेड होता है वो डायरेक्टली पीपल से तो चुना नहीं जाता है उसको चुनने वाले है ना अलग मेंबर्स होते हैं जब वो जनता से डायरेक्ट चुना जाता तब तो हमारे ऊपर गवर्न भी कर सकता था बट वो डायरेक्टली नहीं चुना जाता है इसलिए शायद उसको हेड नहीं बनाया जाता है और फिर दूसरी बात स्टेट ने अपने पावर को ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन नहीं किया है तो यहाँ पर एक आंसर ये भी हो सकता है हालांकि आप भी कुछ अपना आंसर सोच के रखिए इसके विषय में दिस न्यू सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट इज लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट इन डेमोक्रेसी कंडक्ट एनी वेयर इन द वर्ल्ड या जो जो डेमोक्रेसी का एक्सपेरिमेंट है लोकल लेवल पर ये हमारे पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा कहीं देखा जाता तो वह है भारत में देयर आर नाउ थर्टी सिक्स लाइक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन द पंचायत एंड म्यूनसिपाल्टीज एक्सेट्रा ऑल ओवर द कंट्री लगभग लगभग छत्तीस लाख लोग म्यूनसिपालटीज़ में या लोकल लेवल गवर्नमेंट पर हमारे यहाँ चुने जाते हैं जबकि इतना बड़ा कहीं पर भी पार्टिसिपेशन नहीं होता किसी भी देश में लोकल लेवल के लोगों का द नंबर इज़ बिगर दैन द पापुलेशन ऑफ मैनी कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड जो कि बहुत सारे देशों के पापुलेशन से कहीं ज़्यादा है हमारे विश्व में कई ऐसे देश हैं जहाँ पर 10 लाख 20 लाख पापुलेशन है बट हमारे यहाँ तो केवल रिप्रेजेंटेटिव 36 लाख के ऊपर है 36,000 के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट्स फॉर द लोकल गवर्नमेंट्स हैज हेल्प टू डिपेंड डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर द लोकल गवर्नमेंट जो हमारे लोकल गवर्नमेंट को हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया है इससे कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी और भी गहरी होती है मजबूत होती है इट हैज़ आल्सो इंक्रीज वमेंस रिप्रेजेंटेशन एंड वॉइस इन अवर डेमोक्रेसी ये कहीं ना कहीं वमेंस के पावर को और भी इंक्रीज करता है एट द सेम टाइम देर आर मेनी डिफिकल्टीज वाइल इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली एंडस्टिकली ग्राम सभा आर नॉट हेल्ड रेगुलरली जैसे कि हर जगह इलेक्शन रेगुलर होते हैं वैसे हमारे ग्राम सभा में इलेक्शन रेगुलर नहीं होते हैं ना ही वो रेगुलर टाइम से बुलाए जाते हैं उनकी सभाएं। द स्टेट गवर्नमेंट्स हैव नॉट ट्रांसफर्ड सिग्निफिकेंट पावर टू द लोकल गवर्नमेंट्स नॉर हैव दे गिवन एडकुट्स रिसोर्स ना तो स्टेट गवर्नमेंट उनको वो पावर ही दिया है ना ही उनको बराबर का रिसोर्सेज दिए गए हैं जिससे कि वो अपना काम कर सकें वो टोटल डिपेंड होते हैं स्टेट गवर्नमेंट पर बी आर दस स्टिल लॉन्ग बे फ्रॉम द रियलाइजिंग द आइडिया ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हम स्थानीय स्वशासन के एक बेहतर तरीके से कहीं ना कहीं अभी दूर हैं ओके स्टूडेंट्स नाउ योर चैप्टर हैव बीन कंप्लीटेड नाउ। आल ऑफ यू प्लीज watch my video carefully if you have any query or the confusion you can contact to me or comment on my inbox thank you